गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। व्हाट इज़ ए फंक्शन? सबसे पहले डेफिनेशन कि फंक्शन हमारा क्या है। एक्चुअल में फंक्शन हमारा क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ए रिलेशन फ्रॉम वन नॉन एम्प्टी सेट X to another unknown empty set Y is said to be a function if each X belongs to X, there is a unique Y belongs to Y। Means जितने भी एलिमेंट हमारे सेट एक्स के हैं, उन हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक वाई, हम एक एलिमेंट वाई हमें किस में मिलना चाहिए, सेट वाई में। जैसे देखिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। यह आपका कोई सेट एक्स है, यह आपका सेट वाई है, और आर हमारी एक रिलेशन है एक्स से वाई पर। एक्स के एलिमेंट हैं ए बी सी डी, y के एलिमेंट हैं ई एफ जी एच आई। तो उसने क्या कहा है, ईच एक्स बिलोंग्स टू x। उससे पहले एक बार एक चीज़ देख लीजिए, ईच एक्स बिलोंग्स टू x मतलब x के जितने भी एलिमेंट हैं, x के एलिमेंट क्या हैं, a है, b है, c है, d है, उन सब के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिक y बिलोंग्स टू y में। जैसे फॉर एग्जांपल a रिलेटेड हो गया e से, तो अब अगर ए का रिलेशन अब ई से हो गया तो ए का रिलेशन किसी और से नहीं होगा, अगर इस रिलेशन को क्या बनना है, फंक्शन। बी का रिलेशन एफ से हो गया है तो बी का रिलेशन अब किसी और से नहीं होगा। ई का रिलेशन एफ से हो सकता है क्योंकि ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देयर इज ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो किस कंडीशन को पूरा कर देगी कि ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देयर इज ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई। आप इसको ऐसे समझिए, पहले एक बार फिर से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम कब हमारा फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, एफ हमारा एक्स से वाई पर एक फंक्शन हो जाएगा। कैसे समझेंगे, मान लो एक्स में एलिमेंट है 1 2 3 4 और वाई में एलिमेंट है 5 6 7 8 9। आप ये समझिए कि 1 2 3 4 आप शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आपकी लोडेड गन है। एक्स क्या है, आपकी गन, जिसमें कौन कौन सी बुलेट लोडेड है, 1 2 3 एंड 4। पहली शर्त तो ये है इसको फंक्शन होने के लिए कि आपको हर एक बुलेट चलानी है, हर एक बुलेट, कोई भी बुलेट आपको अपने पास नहीं रखनी। और ये आपके टारगेट हैं 5 6 7 8 9, क्या है आपके टारगेट। अब आप एक नेचुरल ट्रूथ है, अगर 1 ने 5 को टारगेट कर दिया तो 1 अब किसी 1 नाम की बुलेट जो है वो अब किसी और टारगेट को हिट नहीं कर सकती। हो सकता है 2 बुलेट है जो 5 को हिट कर दे, 3 भी हो सकता है 5 को हिट कर दे, 4 ने किसी 7 को हिट कर दिया। तो हमने क्या देखा, जितने भी एक्स हमारे, जितने भी एलिमेंट एक्स के हैं, उनके लिए क्या मिला मुझे, एक यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई। तो आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि आपको एक टारगेट, आपको शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक्स जो है हमारा, अगर हमारा फंक्शन हमने देखना है एक्स से वाई पर, तो एक्स तो हमारा क्या है, एक बुलेट, बुलेट एक्स हमारी एक गन है जिसमें 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, उसकी बुलेट। पहली शर्त तो यह है कि आपको सारी फायर करनी है, फायर करेंगे तो किसी न किसी टारगेट को हिट करेंगी। लेकिन आप अभी की नेचुरल ट्रूथ है, 1 ने अगर 5 को हिट कर दिया तो किसी और टारगेट को हिट नहीं कर सकती। हो सकता है 2 भी 5 को हिट कर दे, 3 भी 5 को हिट कर दे, 4 7 को हिट कर दे, 6 8 9 आप टारगेट को हिट ना कर पाओ। तो ये हमारी रिलेशन जो है वो अब क्या है, एक फंक्शन। अब फंक्शन में एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो अगर फंक्शन हमारा है x से y पर, तो x को बोला जाएगा डोमेन। अब हम इसको x ना कह के क्या बोलेंगे, डोमेन। y को बोला जाएगा कोडोमेन। जब भी फंक्शन की बात होगी तो हम x और y ना लिख के x की जगह किस शब्द का यूज़ करेंगे, डोमेन का, y का की जगह कोडोमेन का। a से b पर होता तो a डोमेन और b कोडोमेन। जो x के एलिमेंट हैं वो होंगी प्री इमेज, और जो y में एलिमेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, इमेज। और जो टारगेट हमारे हिट हो गए हैं, या कौन कौन से टारगेट हिट हुए हैं, 5 और 7, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। ये 5 वर्ड आपको याद रखनी है। अगर फंक्शन है x से y पर
तो x डोमेन y कोडोमेन। सिमिलरली अगर a से b पर होता तो a डोमेन b कोडोमेन। x के एलिमेंट प्री इमेज, y के एलिमेंट इमेज, और जो टारगेट हिट हुए हैं, जो हमारे y में जो टारगेट हिट हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, रेंज। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सेट ए है और ये सेट है आपका बी। तो ए को और एफ हमारा फंक्शन दे दिया उसने ए से बी पर, तो ए को क्या बोला जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। बी को क्या बोला जाएगा, कोडोमेन। एफ फंक्शन का दूसरा नाम। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, फंक्शन कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं, और मैप कह सकते हैं, और इमेजिंग और मैपिंग, ये सब फंक्शन के नाम हैं। अब इसमें एलिमेंट है मान लो 1, 4, 6, 9, तो ये जो 1, 4, 6, 9 है ये सारी क्या बोली जाएंगी, प्री इमेज। 4, 8, 9, 10, 11 ये सारी क्या बोली जाएंगी, इमेज। अब 1 की इमेज क्या है, 8, तो 8 की प्री इमेज क्या है, 1। 4 की इमेज क्या है, 8, 8 की दो प्री इमेज है, 1 और 4। 6 की इमेज है 9 और 9 की इमेज क्या है हमारी, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन। दूसरे शब्दों में अगर आपको फिर से चेक करना है तो आप मेन चीज़ क्या है, ए में डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मीन्स डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज हमें किस में मिलनी चाहिए, कोडोमेन में। कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, ग्रेजुअल ट्रूथ है। अगर आप टारगेट की फायर करें, हो सकता है कोई टारगेट आप हिट ना कर पाओ। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन हमारी फंक्शन होगी या नहीं। जैसे एक रोस्टर फॉर्म से भी देख लेते हैं, तो हमने एरो डायग्राम से देखा है। फॉर एग्जांपल सेट ए के एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3, सेट बी के एलिमेंट है आपके पास 5, 6, 7 एंड 8। मान लो ये आर वन भी एक रिलेशन है ए से बी पर, आर टू भी एक रिलेशन है ए से बी पर, आर थ्री भी है, आर फोर भी है और आर फाइव भी। आपको चेक करना है कि वेदर दीज रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। तो आर वन में एलिमेंट उसने दिए 1, 5, नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया 2, 6, नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया 3, 7 और नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया 2, 7। अब आपसे चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक करो वेदर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। तो आपने क्या देखना है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि 1 की इमेज भी होनी चाहिए, 2 की भी और 3 की भी। तो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है और 3 की भी इमेज है, लेकिन वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक। तो हमने देखा यहाँ पर 2 की इमेज 6 भी है और 2 की इमेज 7 भी है, मतलब 2 नाम की बुलेट ने 6 टारगेट को भी हिट कर दिया और 7 टारगेट को भी। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। मान लो आर टू आपके पास दे दिया उसने 1, 5, नेक्स्ट दे दिया 2, 5 और नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया इसका 3, 5। अगेन फिर हम चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो आपने क्या देखा, 1 की भी इमेज होनी चाहिए, 2 की भी, 3 की भी, तीनों की इमेज प्रेजेंट है। 1 की इमेज 5 है तो 1 की कोई और इमेज नहीं है, तो 1 की यूनिक इमेज हो गई। 2 की इमेज 5 है तो 2 की कोई और इमेज नहीं है। 3 की इमेज 5 है तो 3 की कोई और इमेज नहीं है। तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। आप देख भी सकते हैं, ये पॉसिबल है कि आप 1, 2, 3 नाम की जो बुलेट हैं आपकी, वो सारी की सारी 5 टारगेट को हिट कर दें। इट इज़ पॉसिबल। एक और देख लीजिए, R3, 1, 5, नेक्स्ट 2, 6। दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया था हर एक एलिमेंट की इमेज, यूनिक इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 की इमेज प्रेजेंट नहीं है। और दूसरे एग्जांपल में मैंने बताया था हर एक बुलेट को आपने फायर करना है, तो 3 नाम की बुलेट को आपने फायर नहीं किया। सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो सिर्फ ये हमारी फंक्शन है सेकंड टाइप। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट जैसे रिलेशन को करते थे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन भी क्या है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन is not a function. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, फंक्शन को हम
किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें आप सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, रिलेशन फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन, एक और टाइप है फॉर्मूला टाइप जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कहेगा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो ये फार्मूला बेस्ड हो गया हमारे पास। तो अब फंक्शन उसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, फार्मूले से। तो कह रहा है कि इसकी अब क्या बताओ, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि एक्स, एक्स की इमेज अंडर एफ क्या हो गई, टू एक्स। तो अगर हम देखें तो एक ढंग से आपको पहले एरो डायग्राम से समझाते हैं, नेचुरल नंबर में क्या होंगे, वन होगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड अप टू सेवन चलते रहेंगे। अब उसने क्या बताया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर एफ हमारा क्या है, एक फंक्शन, और एक्स की इमेज क्या होगी, टू एक्स। मीन्स अगर हम एक्स किससे बिलोंग करेगा, हमारा नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग को डोमेन में हमें क्या मिलेगा, टू एक्स। तो वन, वन की कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड टू सेवन। वन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, टू। टू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, फोर। थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सिक्स एंड अप टू सोन। फोर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एट। तो ये हमारे क्या आ गया, फार्मूले फॉर्म से भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या आ गई, इसकी किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, एरो डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म निकालना चाहते हैं तो एफ में एलिमेंट क्या आएंगे, वन के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा टू, टू के कॉरस्पॉन्डिंग फोर, थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग सिक्स, फोर के कॉरस्पॉन्डिंग एट, फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग टेन एंड अप टू सेवन। अब नेचुरल नंबर कहीं ख़त्म नहीं हो रहे, तो हमारा फंक्शन भी कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा ऐसे ही, इसी तरह से। अब मेन चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, एफ में जो एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं, ये अगर एक्स होता है तो ये एलिमेंट कौन सा होता है हमारा, एफ एक्स। फर्स्ट एलिमेंट एक्स, तो सेकंड क्या होता है, उसकी इमेज अंडर एफ। एफ एक्स को हम क्या रीड कर सकते हैं, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर ये वन यहाँ पर एक्स है तो टू क्या है, उसकी इमेज एफ एक्स। टू अगर एक्स है तो फोर क्या है, एफ एक्स। थ्री अगर एक्स है तो सिक्स क्या है, एफ एक्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो बार बार आएगा, डोमेन, कि फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं। कोई भी फंक्शन आपको फॉर्मूला बेस में दे दिया, उसकी डोमेन आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए डोमेन की पहले तो आप देख लीजिए कि डोमेन होती क्या है। ऑल पॉसिबल, अगर फंक्शन आप एक्स का है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर फंक्शन एक्स का है तो एक्स कहेंगे, अगर फंक्शन वाई का है तो वाई कहेंगे। जैसे यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, फंक्शन किसका है, एक्स का। अगर मैं कह देता एफ वाई इज इक्वल टू टू वाई प्लस फाई, तो फंक्शन किसका होता, y का। y वेरिएबल में होता हमारा फंक्शन, अगर x में है तो x लिखेंगे, y में है तो y। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डेफिनेट एंड रियल, हम और ये x की वैल्यू कहाँ से देखेंगे, हम रियल नंबर से। हमारे जो सिलेबस में जो फंक्शन है वो कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल नंबर से बाहर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, जो भी हम सेट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से। नेचुरल नंबर भी हम, जैसे हमने लिया फंक्शन लिया नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी किसका पार्ट है, रियल नंबर का। तो हम यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि रियल, वो एक्स मतलब वो सारे रियल नंबर जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो, डेफिनेट और क्या हो, रियल। डेफिनेट मतलब डिफाइंड वैल्यू हो, यानी कि नॉन डिफाइंड ना हो। रियल मतलब इमेजिनरी ना हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने, हमारे पास एक दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपसे पूछा गया है कि इसकी डोमेन बताइए, तो क्या होगी इसकी डोमेन, एक्स की वो सारी वैल्यू कहाँ से देखेंगे वैल्यू, हम देखेंगे हमेशा रियल नंबर से। तो एक्स के वो सारे रियल नंबर आप छोड़ दीजिए जिनके लिए फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाता है। और हमें पता है कि नॉन डिफाइंड एक ही केस में होता है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो। लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, वन।
तो पहला केस तो गया, ये हमेशा डेफिनेट वैल्यू रहेगी x की हर एक वैल्यू के लिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेट। दूसरा रियल हमें पता है, इमेजिनरी एक ही केस में होता है जब स्केयर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव टर्म, तो यहाँ पर x के ऊपर स्केयर रूट नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या आ गई हमारे पास, डोमेन आ गई इसकी ऑल रियल नंबर्स। सेकंड एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं, मैंने कह दिया 1/x, अब फिर वही हम देखेंगे x की वो वैल्यू हम रखेंगे जिनके लिए फंक्शन क्या हो, डेफिनेट एंड रियल, या दूसरे शब्दों में हम x की वो वैल्यू छोड़ देंगे रियल नंबर में से जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड, या कैसा हो जाए, इमेजिनरी। तो हमने क्या देखा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 1/0, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। जब मैंने एफ 0 निकाला तो 1/0, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गई, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 0 के लिए ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो 0 हमारे डोमेन में नहीं होगा, और रूट स्केयर रूट यहाँ पर है नहीं, सो इसलिए यहाँ पर इसके एफ एक्स की वैल्यू के इमेजरी होने के कोई चांस नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये माइनस का साइन लगा देते हैं, एक्सेप्ट मतलब रियल नंबर में से आप क्या छोड़ रहे हैं, 0। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। फिर आप देख लीजिए, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड है कि डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 1, तो x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप रख लीजिए, एफ एक्स कभी भी हमारा नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो इस अगर फर्स्ट केस के रिगार्डिंग देखें तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। लेकिन अभी हमने एक और चीज़ देखनी है, x की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, x की वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी रहनी चाहिए, रियल। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, स्केयर रूट। और हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूँगी, आप कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, जब भी स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा। वो क्या हो जाता है कि इमेजिनरी नंबर। तो रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू क्या छोड़नी पड़ेगी आपको, वो एक्स की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी। तो इसकी डोमेन अब क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या आप लिख सकते हो क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी। तो 0 या 0 से बड़े सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, इसकी डोमेन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी भी क्या बताएं आप, डोमेन। तो एक चीज़ फिर भाई, हमें दो ही चीज़ें चेक करनी है बेटा, एक तो x की वो वैल्यू छोड़नी है जिसके लिए एफ एक्स क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू हमने रखनी है वो न्यूमरेटर में रखनी है, डिनोमिनेटर अंडरस्टैंड है हमेशा क्या रहेगा, 1। तो ये कभी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, स्केयर रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए हमारा, नेगेटिव टर्म। तो स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आए उसके लिए हमने क्या करना है, तो इसको कैसे निकालेंगे आप देखिए, ये क्रिटिकल वैल्यूज़ होती है बेटा। जब भी आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके फैक्टर करके वो वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से अगर मैं फैक्टर करके उनको 0 रख के वैल्यू निकाली, तो एक तो x की वैल्यू आई 4 और एक x की वैल्यू क्या आई, 5। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं जहाँ से फंक्शन अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करता है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करो रियल नंबर लाइन पे, बहुत ईजी है। 4 आपका लेफ्ट में आएगा, 5 आपका राइट में आएगा। अब पूरी रियल नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, फर्स्ट पार्ट माइनस इन्फिनिटी से लेके 4, सेकंड पार्ट 4 से लेके 5, थर्ड पार्ट 5 से लेके इन्फिनिटी। अब आपको साइन कैसा चाहिए, स्केयर रूट के अंदर पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख के देखिए, देख लीजिए एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5 में, अगर उसका साइन पॉजिटिव आए तो ये सारी इसकी डोमेन में होगा, और अगर नेगेटिव आए तो वो इसकी डोमेन में नहीं होगा। जैसे अगर हम रखते हैं मान लीजिए 3, माइनस इन्फिनिटी और 4 के बीच में वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक 3 वैल्यू आई। अगर हम x माइनस 4 में 3 रखते हैं तो इसका आंसर कैसा आया, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 में 3 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5। 3 माइनस 4 ने कैसा साइन दिया, नेगेटिव। 3 माइनस 5 का भी साइन कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव होल आंसर कैसा आया इसके रूट के अंदर, पॉजिटिव। इसका मतलब ये सारी वैल्यू हमारी डोमेन में हैं। नेक्स्ट 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में मैंने ले लिया 4.5। जब आप 4.5 रखेंगे तो 4.5 माइनस 4 पॉजिटिव, 4.5 माइनस 5 नेगेटिव, तो होल आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। और स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। थर्ड, 5 से लेकर इन्फिनिटी मान लो मैंने रख दी वैल्यू 6, 6 माइनस 4 पॉजिटिव, 6 माइनस 5 पॉजिटिव, होल आंसर कैसा आया, पॉजिटिव।
तो अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके 4, क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। अब 4 और 5 की कैसे पता चलेगा कि 4 और 5 पर क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल, उसके लिए देखिए अगर मैं वैल्यू 4 रखता हूँ, अगर x की वैल्यू 4 रखी तो f(x) कैसा होगी, वैल्यू 0, जो एक डेफिनेट और रियल वैल्यू है, तो 4 भी इंक्लूड रहेगा इसकी डोमेन में, तो क्या आ गया 4 की तरफ क्लोज इंटरवल, और 5 की तरफ सिमिलरली 5 की तरफ भी क्या आ गया क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर मैं इसको 1 बाय कर देता, अगर इसी f(x) को हम ये ले लेते 1 बाय अंडर द रूट एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, तो अब हमारी डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अब अगर इसकी डोमेन अगर ये नीचे होता डिनोमिनेटर में, तो इसकी डोमेन होती माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 ओपन इंटरवल, यूनियन ओपन इंटरवल 5 से लेके इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज आपको ये फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है और उसकी डोमेन की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।